अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मुक्सिद अजीज एंड आई वेलकम यू टू गौहर पब्लिशर्स। आवर मोटो इज रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू गौहर मैथमेटिक्स फॉर क्लास 4 चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एंड द टॉपिक इज प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स एंड फैक्टराइजेशन एंड मल्टीपल्स। तो अब हम देखेंगे प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स में डिफरेंस और इनकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। कोई भी ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता वो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी आगे नंबर्स हैं। आप देखें कि 2 भी सिर्फ अब 2 पे ही डिवाइड होगा, 3 भी सिर्फ 3 पे डिवाइड होता है, 3 से छोटा अपने किसी छोटे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 5 भी सिर्फ 5 से डिवाइड होता है, 7 भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 4 से, सिर्फ अपने से ही डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही आप से डिवाइड होते हैं और या 1 से, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और बाकी जितने भी नंबर्स हैं जो 1 से भी डिवाइड होते हैं, अपने आप से भी और उसके अलावा भी कुछ और नंबर से डिवाइड होते हैं, उनको हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी है, 12 बॉल्स थी, एक बॉल मिस हो गया तो हमारे पास 11 रह गए। तो 11 जो है वो प्राइम नंबर्स है। तो आप उसने, क्योंकि खतीजा वॉज प्लेइंग विद 12 बॉल्स और उसको वो रेक्टेंगल में सेटअप कर रही थी, लेकिन एक बॉल मिस होने से 11 बॉल्स रह गए, तो वो कम्प्लीटली सेटअप नहीं हो सके रेक्टेंगल में, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ये डिवीजन इसकी पॉसिबल नहीं है इक्वल नंबर्स में। और कॉम्पोजिट वो नंबर्स हैं जो इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो आपके कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे। अब हम चलते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स की तरफ। 12 बॉल्स जो आपको पिछली एग्जांपल में थी, 12 बॉल्स कितनी तरह अरेंज हो सकते हैं वो कहलाएंगे उसके फैक्टर्स। यानी 12 बॉल्स की एक रो हम बना लेते हैं, ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगर हम 2 रोज 6-6 बॉल्स की बना लें तो ये एक दूसरा तरीका है उसको सॉल्व करने का। अगर हम 4 रोज़ बना लें 3-3 बॉल्स की तो ये एक तीसरा तरीका है, और अगर 3 रोज़ बना लें 4 बॉल्स की तो ये एक और तरीका है, और अगर 12 बॉल्स की एक ही रो बना ली जाए तो ये हमारे पास एक और तरीका है। यानी हमारे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट तरीके से हम 12 को बॉल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तमाम तरीके जो हैं ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। यानी 12 into 1, 3 into 4, 4 into 3, 2 into 6 या 1 into 12 या 6 into 2, ये तमाम जो हैं ये इसके हम क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स यहाँ पर कहलाएंगे। इसके अलावा हम 12 को और अगर किसी तरीकों से सॉल्व कर सकते हो या उनका पैटर्न बना सकते हो तो वो भी उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ये हो गए फैक्टर्स, किसी भी एक नंबर को किन डिफरेंट तरीकों से आप लिख सकते हैं दो नंबर्स को मिला के, दो नंबर्स के प्रोडक्ट से। फैक्टर्स आर द नंबर्स डैट आर मल्टीप्लाई टू गिव अ प्रोडक्ट। फैक्टर्स 3 और 4 12 के फैक्टर्स हैं, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 12 आता है, जो कि ओरिजिनल नंबर है। इसी तरह ये हो गए हमारे पास फैक्टर्स। अब हम देखेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स फैक्टर्स का ऑपोजिट आप कह सकते हैं। एक नंबर को, सिंगल नंबर को हम और कितने तरीकों से आगे लिख सकते हैं उसको हम मल्टीपल कहेंगे। तो मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड एनी अदर नंबर। उस नंबर का किसी भी और नंबर के साथ जो मल्टीपल है
वो मल्टीप्लिकेशन करके जो प्रोडक्ट आएगा वो उस नंबर का मल्टीपल होगा, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने शो किया है। हम कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं जैसे 3। अब 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 3 को आप 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3, 3, 9। तो ये 3 के 3, 6 और 9 ये तीनों 3 के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि ये 3 का प्रोडक्ट है दूसरे नंबर्स के साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारे पास आंसर आया वो 3 के मल्टीपल्स हैं। फैक्टर्स इन लार्ज नंबर्स को जब हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट में शो करते हैं तो वो फैक्टर्स कहलाते हैं, और जब उन दो का एक प्रोडक्ट का आंसर होता है वो मल्टीपल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है आपको, 2, 4, 6, 8, 10, 12 आर द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 के ये मल्टीपल्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, क्योंकि पहले 6 मल्टीपल्स हैं। 2 को 1, 2, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे। डिफरेंस हमारे पास जो बेसिक है वो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में ये है कि फैक्टर्स डिवाइड अ नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। जो फैक्टर है वो ओरिजिनल नंबर जब उससे आप डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा और कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन में आप उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट जो आएगा वो नंबर होगा। बिगेस्ट फैक्टर किसी भी एक नंबर का जो बिगेस्ट फैक्टर है वो खुद वही नंबर है। जैसे 12 के फैक्टर्स जो हमने पहले पिछले पेज पे किए हैं उसमें जो फैक्टर जो लार्जेस्ट फैक्टर है वो 12 × 1 है, तो इसमें 12 भी फैक्टर है और 1 भी फैक्टर है, तो लार्जेस्ट फैक्टर हमारे पास 12 है। 12 से ज़्यादा बड़ा फैक्टर 12 का कोई खुद नहीं हो सकता, बल्कि मल्टीप्लिकेशन में जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो प्रोडक्ट होगा, बाकी उससे सारे बड़े ही नंबर्स होंगे। अगर 3 नंबर है और उसका मल्टीपल हमने फाइंड आउट करना है तो सबसे छोटा मल्टीपल वो खुद नंबर है और बाकी उससे बड़े ही होंगे, और जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो 1 होता है। जैसे यहाँ पे लार्जेस्ट वो खुद नंबर है और स्मॉलेस्ट 1 है। और फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर ऑलवेज लिमिटेड, और फैक्टर्स किसी भी नंबर के लिमिटेड होते हैं, इन्फिनिट नहीं होते, और मल्टीपल इन्फिनिट हो सकते हैं। आप इन 3 को कितने ही बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो भी आंसर आएगा वो भी इसका मल्टीपल होगा, तो इसकी मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं है, और फैक्टर्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो कुछ उस लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकते। टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन। जी, तो देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। पहले हमने देखा कि फैक्टराइजेशन क्या है, किसी भी नंबर को कितनी डिफरेंट तरीके से अरेंज किया जा सकता है या लिखा जा सकता है दो नंबर्स के मल्टीपल में, उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब हमने चलना है प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। प्राइम नंबर्स मैंने जैसे आपको बताया था कि वो नंबर्स जो 1 पे या अपने आप पे डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। उन प्राइम नंबर्स पर मुश्तमिल जो हमारी फैक्टराइजेशन होगी वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगी। अब जैसे एक एग्जांपल है, प्राइम फैक्टर्स 8 के आपने फाइंड आउट करने हैं। 8 के जो सिंपल फैक्टर्स हैं वो आपके पास है 1 × 8, 2 × 4, ये आपके पास 4 फैक्टर्स हैं 1, 8, 2 एंड 4 ऑफ 8, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन इन फैक्टर्स में 8 आपके पास और 4 ये प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि 8 भी 2 पे डिवाइड होता है, 4 भी 2 पे डिवाइड होता है। तो हमने 8 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो प्राइम नंबर्स पर बेस करते हों, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड। हमने 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे छोटा प्राइम नंबर से इसकी डिवीजन स्टार्ट करनी है। सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास 1 है, लेकिन 1 से आंसर 8 ही आएगा, तो उसके बाद हमारे पास नंबर जो है वो 2 है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, 4
मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, 8 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4। अब 4 को फिर आप डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से तो आपके पास आंसर आ गया 2, और फिर दोबारा 2 तो 1। अब ये जो हमारे पास इस साइड पे नंबर्स हैं यानी 2, 2 एंड 2, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर हम इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास वही नंबर आएगा ओरिजिनली जो ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स पर बेस करते हैं फैक्टर्स वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगी। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। जब आप प्राइम फैक्टर्स कोई फाइंड आउट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 नंबर हैं डिफरेंट जैसे 24, 36 और 48, इनके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, ये आगे उसके फैक्टर्स लिखे हैं, तो इनमें जो कॉमन होंगे तीनों में वो हमारे कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 6, 8। अब इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है। 12 तीनों में है, 24 भी इसमें नहीं है। अगर इतने ही नंबर्स को चेक करें तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 जो हैं वो कॉमन फैक्टर्स होंगे। इसी तरह कॉमन मल्टीपल्स भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपके पास 3 नंबर हैं उनके आपने मल्टीपल्स लिख दिए हैं, और मल्टीपल्स में जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं आपके पास वो आपके कॉमन मल्टीपल्स होंगे, जैसे यहाँ पे 60, 120 और 180 पहले 3 कॉमन मल्टीपल हैं, क्योंकि ये मल्टीपल्स बहुत आगे तक जा सकते हैं तो आपने पहले 3 ही यहाँ पे लिख दिए हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि कोई जो भी नंबर हैं उन तमाम नंबर्स में जो मल्टीपल कॉमन है वो कॉमन मल्टीपल्स होंगे, और जो फैक्टर्स कॉमन है वो कॉमन फैक्टर्स होंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।